अमृत विचार के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें। बुलेटिन के आखिरी भाग में सुनिए रोहिलखंड समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को फिर कोरोना महामारी के संकट में किसानों की मेहनत को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के परिश्रम से ही आज देश के पास अक्षय अन्न भंडार है। अक्षय तृतीया के मौके पर मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने इस त्योहार के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके साथ साथ देश के अन्नागार में भरे अनाज के लिए किसानों के परिश्रम और संकट की इस घड़ी में उनके योगदान को याद किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा समस्या प्रवासी श्रमिकों को हो रही है। प्रवासी श्रमिकों की समस्या को सुलझाया जाना चाहिए, उन्हें वापस बुलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होनी चाहिए। देश के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना संक्रमितों की संख्या 26,496 पहुंच गई है। इनमें 111 विदेशी मरीज शामिल हैं। इससे अब तक 824 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 5,803 लोग इससे स्वस्थ भी हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश में हो रही हैं। इन 4 राज्यों में संक्रमण से मरने वालों की संख्या 609 हो गई है, जो देश में कोरोना वायरस के कारण हुई मौतों का लगभग 74% है। विश्व में कोरोना से मरने वालों की संख्या रविवार सुबह तक 2,00,000 के पार पहुंच गई। पूरे विश्व में 2,02,846 मौतें दर्ज की गई हैं। विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या 28,96,746 पहुंच गई है। और अब पेश है रोहिलखंड समाचार। खबर बरेली से। श्यामगंज स्थित साईं मंदिर में विवाह संपन्न कराया गया। इसमें ज्यादा भीड़ तो नहीं थी, लेकिन खुशियां भरपूर थी। विवाह के लिए जिलाधिकारी से अनुमति ली गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए दोनों पक्ष से सीमित संख्या में लोग शादी में शामिल हुए। विवाह धार्मिक रीति रिवाज से संपन्न कराया गया। बितरी चैनपुर के विधायक पप्पू भड़तौल और साईं मंदिर के सरबरकार पंडित सुशील कुमार पाठक ने वधु प्रिया और वर रोहित को आशीर्वाद दिया। खबर मुरादाबाद से। रविवार को मौसम अचानक बदल गया। आसमान पर गहरे काले बादल छा गए। इसकी वजह से दोपहर में ही अंधेरा छा गया। मौसम के बदले मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कई क्षेत्रों में अभी भी कटी हुई फसल खुले में पड़ी है। बारिश की वजह से ये फसल खराब हो गई है। तेज हवा और बारिश की वजह से कई इलाकों की बिजली भी गुल हो गई। खबर बदायूं से। देर रात अंबाला से अपने घरों को जा रहे 29 मजदूरों को रोक लिया गया। उन्हें सैदपुर के गालीबली इंटर कॉलेज में क्वारंटीन किया गया है। ये लोग 14 दिनों तक यहीं पर प्रशासन की देखरेख में रहेंगे। इनमें 5 बच्चे और कई महिलाएं भी शामिल हैं। आखिर में बरेली के मौसम का हाल। बरेली में रविवार को 29 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। कल दिन का तापमान 28 डिग्री रहने की उम्मीद है। कल भी बारिश होने के आसार हैं। इन खबरों को डिटेल में जानने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.amritvichar.com। नमस्कार।